आगे समय लीजिए, ये काम महाराज डिटेक्शन से पहले हुआ है, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, रायबरेली लखनऊ के एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी खबर के अनुसार आप देख सकते हैं यहां पर पेंशनरों की मांगे पूरी नहीं की तो देश भर में सड़क पर उतरेंगे पेंशनर। जी हाँ साथियों, इसी खबर के साथ एक महत्वपूर्ण प्रांतीय सभा का आयोजन रायबरेली में किया गया था जिसमें एनएसी के प्रांतीय नेता मौजूद थे। साथियों, इस खबर के अनुसार ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघ समिति देश भर में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 7-8 वर्षों से संघर्ष कर रही है। सरकार की ओर से बार बार आश्वासन देने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जिससे देश भर के पेंशनरों में आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश में पेंशनरों को संगठित करने के लिए अनेक जिलों में सभाएं हो रही है। इसी क्रम में आज रामकृष्णा इंटर कॉलेज के हॉल में ईपीएस 95 पेंशनरों की एक सभा जिला अध्यक्ष जेपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें अनेक राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी ने भाग लिया। सभा में पेंशनरों ने कहा कि देश के 78 लाख पेंशनर औसतन 1170 रुपये मासिक पेंशन मिलने के कारण आर्थिक बदहाली में जीवन गुजार रहे हैं। उनके लिए कोई मुफ्त मेडिकल सुविधा की व्यवस्था भी नहीं है। देश भर में आंदोलन करने के बावजूद सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पेंशनरों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति महीना, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। अगर सरकार पेंशनरों की मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं देती है तो देश भर के पेंशनर अब सड़कों पर उतरेंगे। सभा का संचालन जिला सचिव हरीश चंद्र त्रिपाठी ने किया। सभा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एस तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, संयुक्त मंत्री आर एन द्विवेदी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे, मुख्य मीडिया प्रभारी सुभाष चौबे, अशोक वाजपेयी, पी सिंह, पी सी कुरील आदि ने संबोधित किया। साथियों, यहां पर जो सम्मेलन हुआ, सभी जो प्रांतीय नेता है उन्होंने पेंशनरों को संबोधित करते हुए हाल या घटनाक्रम और आगे की रणनीति पर सभी को संबोधित किया। और आप ये समझ लीजिए, ये काम महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले होना है, अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए उनको मालूम है कि वहाँ लाखों लोग हैं जो ये पेंशनर्स हैं और जो भी सरकार बनेगी इन्हीं की सहमति से और इनके सहयोग से बनेगी। अगर लागू हुई तब तक देखा जा रहा है कि ईपीएफओ हमारे पेंशनरों पर कुठाराघात करता चला रहा है। बराबर जब आंदोलन करते हैं तो मीटिंग बुलाता है, हमारे नेताओं से वार्ता करता, उसके बाद फिर शाम को जाता गैप ले लेता है। तो वो समझ रहा है कि हम रामलीला मैदान में भी अगर 1 लाख पेंशन उपस्थित होगा 78 लाख में तो उसी दिन हमारी पेंशन होगा। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर जी हैं जिनके द्वारा आप वीडियो पर या यूट्यूब पर सारी चीजें देखते हैं, सबके देने आप हैं। तो सारे लोग हमारे बीच में हैं, सुभाष चौबे जी हैं, दिलीप पांडे जी हैं, इसी गुरुवेद जी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं जो पूर्व महासंघ के प्रांतीय महासंघ के अध्यक्ष हैं, और भी हमारे बीच मंडल अध्यक्ष अशोक वाजपेयी जी आए हैं, एबीसी आए हैं, जनमत की बात होगी, सब लोग हैं, सबके विचारों को हमको थोड़ा थोड़ा के पहले पहले अक्टूबर माह में आप लोग जो है ये कार्यक्रम निर्धारित करें और सरकार के खिलाफ रूपरेखा बना करके वहाँ सम्मेलन और बहुत बड़ी आम सभा करें जिससे हमारा दबाव सरकार पर बना रहे। ये चीज हम भूल गए थे। मैं आप लोगों से सहमति लेना चाहता हूँ कि किया जाए कि नहीं किया जाए, ये हाथ उठा करके आप लोग किया जाए। जितनी चीजें हमने आपसे सुनी है वास्तव से भटनागर जी ने, मैं तो इस सेशन में ये चाहता था कि आज तक के आंदोलन में कितना हम कुछ करे हैं और कहां तक हम पहुंचे हैं। यानी मिनिस्ट्री ने क्या आश्वासन दिया, हमने रजिस्ट्रेशन किया, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू क्या है, ईपीएफओ का व्यू क्या है, इस बारे में काफी कुछ भटनागर जी ने बताया।
बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया है, काफी है, काफी है। कई चीजें बड़ी अप्रत्याशित होंगी। साथियों, इस तरह के सम्मेलन और सभाएं देश के विभिन्न प्रांतों में भी हो रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कर्नाटका में रमाकांत नरूडे जी के नेतृत्व में भी इस तरह की सभाएं हो रही है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और विभिन्न प्रांतों में इस तरह की जनसभाएं हो रही है, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाकर मिनिमम पेंशन मुद्दे को सुलझाया जा सके। तो साथियों, एनएससी के इन प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।